हर अपडेट पाने के लिए बेल आइकन पर करें क्लिक। तो ये सलमान की रिलेशनशिप मेरे लिए हेल्थी नहीं थी, लड़ाइयां होती थी, मैंने उनका नमक खाया, मैं उनके साथ कभी नमक हरामी नहीं करूंगी। इनफिडेलिटी बीच में आ गई, काफी दुखी थी ब्रेकअप की वजह से। ऑल द ट्रॉमा, जो ट्रॉमा मैंने सफर किया था वहां पे इस 8 साल की रिलेशनशिप में, उसके ऊपर सलमान खान जिसकी रेपुटेशन जो सब जानते हैं। तो सुमी कैसी हैं आप, और कुछ बताइए आपके बारे में, अभी क्या चल रहा है? बहुत कुछ चल रहा है। पिछले मेरे ख्याल में ऑलमोस्ट तकरीबन 14-15 साल हो गए नो मोर टीयर्स चलाते हुए, जो मेरा एनजीओ है, जो हम ह्यूमन ट्रैफिकिंग विक्टिम्स, जो एलजीबीटीक्यू विक्टिम्स, डोमेस्टिक वायलेंस विक्टिम्स, चिल्ड्रन, बच्चे जो सेक्सुअली एंड फिजिकली अब्यूज होते हैं, उनकी हम मदद करते हैं। सो सोमी, बात करें आपके और सलमान की, तो सलमान आपकी जर्नी का एक बहुत बड़ा पार्ट रहे हैं, तो वो जो रिलेशनशिप था उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? रिलेशनशिप जो है आई थिंक 17-18 उस दौरान शुरू हुई, और उसके बाद जो है 8 साल तक लास्ट हुई। मगर मैं हमेशा ये कहती हूँ कि देखें, कोई भी रिलेशनशिप में अगर आप 90% अनहैप्पी हैं, 10% खुश हैं, तो ये आपके लिए हेल्थी नहीं है। तो ये सलमान की रिलेशनशिप मेरे लिए हेल्थी नहीं थी, और लड़ाइयाँ होती थी, और काफ़ी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो छुपी नहीं है, पूरे इंडिया को पता था क्या हो रहा था वहाँ पे हम दोनों के बीच में। रिलेशनशिप अच्छी नहीं थी, और एक ऐसा वक्त आया कि जब इनफिडेलिटी बीच में आ गई, तो उस दौरान मैंने सोचा कि अब मुझे जो है जाना चाहिए, अब बहुत हो गया। काफी दुखी थी ब्रेकअप की वजह से। थेरेपिस्ट के पास गई मैं टू हील माइसेल्फ मेंटली फ्रॉम द ब्रेकअप एंड ऑल द ट्रॉमा, जो ट्रॉमा मैंने सफर किया था वहां पे इस 8 साल की रिलेशनशिप में। डैडी तो शुरू से खिलाफ थे, क्योंकि उन्होंने कहा था कि ये सही इंसान नहीं है तुम्हारे लिए, क्योंकि ये जो है तुम्हारे ऊपर चीट करेगा, और ये फिल्म इंडस्ट्री से डैडी नहीं चाहते थे कि मेरा कोई, पहली बात तो 17-18 साल की उम्र में बॉयफ्रेंड होना, डैडी बहुत गुस्सा हुआ इस बात पे गुस्सा थे, उसके ऊपर सलमान खान जिसकी रेपुटेशन जो सब जानते हैं, तो डैडी बहुत गुस्सा थे। आपकी सलमान से अभी भी बात होती है कभी? 20 साल हो गए, तो उस दौरान से लेके अब तक उनकी कितनी, ऊपर वाले की दया से कितनी गर्लफ्रेंड्स हो चुकी हैं, तो अब बात करना बिल्कुल कोई मकसद नहीं है ना। हाँ, मैं ये जरूर कहूंगी कि मैं सलमान के माँ बाप की बहुत इज्जत करती हूँ, मैंने उनका नमक खाया है, मैं उनके साथ कभी नमक हरामी नहीं करूंगी, उनके मैं घर में रही हूँ, उन्होंने मुझे अपनी बेटी की तरह इतना प्यार दिया कि मैं बता नहीं सकती हूँ, और मैं हमेशा मरते दम तक उनकी सलमान जी और सलीम अंकल की सारी उम्र इज्जत करूंगी, क्योंकि उन्होंने मुझे बहुत प्यार दिया। तो मगर जहां तक सलमान का सवाल है, 7-8 ईयर्स एक बहुत लंबा समय होता है किसी भी रिश्ते के लिए, इमोशंस जुड़े होते हैं, तो वो रिश्ते को खत्म करना कितना मुश्किल था, और आपने कैसे अपने आप को मेंटली प्रिपेयर किया? पहले तो मैं जब पाकिस्तान से जब मैं अमेरिका आई, तो मैं बिस्तर से नहीं निकली तो काफी दिनों तक, और डिप्रेशन में। तो मेरे भाई ने कहा कि देखो, अब बहुत हो गया, फीलिंग सॉरी फॉर योरसेल्फ, अब जो है पढ़ाई का टाइम शुरू हो गया है। तो उसने कहा कि ब्रेकअप तुमने किया है, उसने नहीं किया है, तो तुमने ब्रेकअप करके और तुम यहाँ आई हो, और तुम खुद ही यहाँ पे डिप्रेस हो रही हो, ये तो उल्टी बात है। तो उसने मेरे भाई ने मुझे बहुत इनकरेज किया कि तुम पढ़ाई करो, क्योंकि पढ़ाई के बिना, एजुकेशन के बिना आगे नहीं पहुंच सकता इंसान। तो मैंने अपने भाई का एडवाइस लिया, और मैं बिस्तर से उठी, मैंने एक्सरसाइज शुरू की,
अच्छा खाना, हेल्थी खाना शुरू किया. उसके बाद फिर बस उसके बाद फिर पढ़ाई 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 के अलावा और कुछ भी नहीं. बॉलीवुड में ही बहुत से एक्टर्स हैं, शाहरुख, सलमान, आमिर को ही ले लीजिए. एक्टर्स अगर 50 प्लस होते हैं तो भी वो लाइक 20 साल की या 21 साल की लड़की के साथ रोमांस कर सकते हैं. लेकिन वही फीमेल एक्टर्स की बात होती है, एक्ट्रेसेस की बात होती है, तो उन्हें 50 के बाद एक पर्टिकुलर डिफाइंड रोल्स मिलने लगते हैं. तो उस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ये तो बहुत बहुत मतलब नाइंसाफी है. इसलिए रीस विदरस्पून जो अमेरिकन एक्ट्रेस है, जब वो 40 साल की हुई उन्होंने अपनी खुद प्रोडक्शन कंपनी शुरू की और उन्होंने औरतों को चांस दिया जो 40 के ऊपर हैं कि उनको रोल्स दिए. तो ये मैं आई वुड बी अमेज कि अगर कोई एक्ट्रेस वहां पे इंडिया में जो ये इनिशिएटिव क्रिएट करे और प्रोडक्शन कंपनी शुरू करे और उन औरतों को रोल्स दे जो 40 के ऊपर हैं या 50 के ऊपर हैं, क्योंकि ये बहुत नाइंसाफी है. और अभी तक हम लोग 2022 में हैं और अभी तक हम लोग ये देखते हैं कि सलमान खान जो है वो एक्ट कर रहे हैं कोई 21 साल की लड़की के साथ और हम सोचते हैं कि ये कोई बड़ी बात नहीं है. मगर अगर 21 साल मतलब 50 साल की औरत है और वो 20 साल के आदमी के साथ एक्ट करे तो ये तो दिस इज रबिश. इट्स एब्सोल्युटली इग्नोरेंस, अनएजुकेटेड नॉनसेंस इन माय ओपिनियन. एंड दिस इज वेरी वेरी सेक्सिस्ट, इट्स हिपोक्रिटिकल और इसको इसको बिल्कुल इरेडिकेट करना चाहिए. इसके लिए इंसान को आवाज उठानी चाहिए और मैं इनकरेज करूंगी कोई एक्ट्रेस जो है जो स्टार्ट करे प्रोडक्शन कंपनी और उन औरतों को रोल दे 100%. और मैं ये बिलीव करती हूँ कि अगर 50 साल का आदमी 20 साल की औरत से शादी कर सकता है तो 20 साल की औरत जो है वो भी 50 साल की औरत भी है वो भी 20 साल के आदमी से शादी कर सकती है. I 100% बिलीव इन दैट. I am वेरी एंटी एजिज्म. इट्स हॉरिबल हॉरिबल. तो आप अभी सौमी अली, अगर 16 साल की सौमी अली को कोई एडवाइस देना चाहे तो वो एडवाइस क्या हो? भागो भागो जितनी जल्दी हो सके भागो. अगर बॉलीवुड में एंट्री करें या कमबैक करें तो उस आप किस एक्टर के अपोजिट कमबैक करना चाहेंगे? अगर मैं करूंगी तो इट हैज टू बी समवन ऑन द लेवल ऑफ मनोज बाजपेयी और on the level of late Irfan Khan or someone like Aamir, and of course my ultimate favorite Shah Rukh. Hi, I'm Somi Ali and you are watching Filmy News.